सारा इंजन वाटर प्रूफ है, 100% वाटर प्रूफ है। आसू भाई ने कमाल कर दिया, दो दो बंदे बैठा के बिल्कुल फ्री भेजूंगा, कोई भी आज तक का कोई। भाई साहब कमाल कर दिया, आपने बोल दिया। हाँ। जो भी हमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा अपने आप चल रहा है ये, तो राजा भाई पूरा फिर ड्राइवरलेस बना दिया। तो भाई आज आपको मिलाता हूँ मैं पावर विडर को, जन्म देने वाले, मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आ चुके थे भाई। तो राजा भाई क्या हालचाल है? बहुत अच्छा हूँ जी, नमस्कार नमस्कार। बड़े दिनों के बाद में दर्शन दिए हैं भाई साहब, उस बात को छोड़िए भाई साहब। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सबसे बेहतरीन मॉडल हिंदुस्तान में पहली बार 8750 लॉन्च किया है। अच्छा, क्या विशेषता है वो मैं आपको बताऊंगा जी। जी जी जी, तो पानी में खड़ा रखा है यार, देखिए ये पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर मतलब क्या ये चला देगा क्या पक्का? भाई साहब देखिए, अभी गेहूं कटा है। हाँ, हाँ, और पानी का भरा हुआ है। हाँ, हाँ, और इसमें पडलिंग कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। जी, ये जी, हमारी ऑटोमेटिक मशीन है। कैसे ऑटोमेटिक मशीन है, जब मशीन चलेगी फिर बताऊंगा आपको। अच्छा जी भाई साहब, तो ये क्या कितने एचपी का है ये, कोई इसका बताएंगे आप थोड़ा? ये भाई साहब इटालियन सीरीज का है, 7.75 का है भाई साहब। अच्छा मतलब 7.75 एचपी का है और ये पडलिंग का काम करेगा? भाई साहब अकेला पडलिंग का काम नहीं करेगा, सूखे में भी काम करेगा, वो भी करके दिखाऊंगा, ट्रॉली भी खींचेगा, रिपर भी चलाएगा, सारे काम कर देगा भाई साहब। अच्छा, वाटर पंप भी चलाऊंगा, स्प्रे पंप भी इसी मशीन से चला के दिखाऊंगा, इसी से चला के दिखाऊंगा भाई साहब। यकीन नहीं हो रहा है, देख लो फिर, अभी चला के दिखाता हूँ। बेटा ऐसे करो, मारो इसकी, इसको चलाओ भाई। चलो भाई, ये देखिए पहले ही रस्सी में स्टार्ट हो गया, बड़े नहीं करो बेटे, देखो भाई इस प्रकार से यार इसका जो ये पडलिंग के लिए चल रहा है, और पीछे मिट्टी है उसको भी मुलायम कर रहा है ये। हाँ यार क्या बात है, कमाल का पावर विडर है राजा भाई ने। तो भाई साहब क्या ये डीजल पे है या पेट्रोल पे है? किस पे? पेट्रोल पे है भाई साहब, पेट्रोल पे है। अच्छा, और 4 स्ट्रोक का इंजन यूज किया गया है। हाँ, और इसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम है जी। अच्छा जी जी जी, मतलब किसानों के लिए किफायती बना दिया फिर आपने? बिल्कुल किफायती बना दिया। हाँ, इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है मात्र 700 ml है, जो फार्मरों की मुझे बताया है। हाँ, मात्र हमें तो लगता था कि 800 ml खाएगा, लेकिन जो फार्मरों ने हमें बताया है वो मात्र 700 ml है भाई। कुछ ना कुछ तो मामला है इसके अंदर, इस प्रकार से पूरा मतलब चलता हुआ आ रहा है ये। तो राजा भाई आप बोल रहे थे कि ऑटोमेटिक है ये, किस प्रकार से है? अभी इंजन तो इसका स्टार्ट है, तो बताइए मुझे। जैसे गियर डालना है। हाँ हाँ, इसमें कोई भी हमने क्लच ब्रेक नहीं डाली है। अच्छा, बिना क्लच ब्रेक के इसको आप गियर चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हम आपको गियर जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है ऐसे ही इसका गियर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, पहले क्या था पुराने मॉडलों में क्या था हमारे में, उसमें क्या था क्लच प्लेट लगती थी। अच्छा, वो क्लच प्लेट लगती जब गियर चेंज करते थे, जैसे अभी धान में चल रहा है बीच में किचन में फंस गया, जी जी, तो उसमें क्लच प्लेट के ऊपर लोड पड़ता था और मशीन जल्दी खराब हो जाती थी। अच्छा, और उसको हमने और सुधार किया है, मतलब उसमें क्लच प्लेट ही निकाल, नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और बिना क्लच के ये मशीन चलेगी, कोई भी लोड नहीं पड़ेगा। देखिए भाई अभी ऑटोमेटिक है वो, किस प्रकार से देखते हैं, देखिए ये देखिए इस प्रकार से चलेगा ये है जी। वाह 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 क्या बात है यार, पूरा मतलब कमाल कर रहा है। और राजा भाई मुझे यार एक कंफ्यूजन है, बताइए जी क्या कंफ्यूजन तो है भी, आपकी फिर कंपनी का नाम क्या रखा है आपने, ये तो बताइए ना भाई साहब, हमारी जो नई कंपनी का नाम है राजा भाई इंटरप्राइज है। अच्छा, जो लुधियाना मलेरकोटला के रोड के ऊपर स्थित है। अच्छा, मतलब कि मेन रोड पे ही हमने कंपनी को निकाल दिया है। तो भाई साहब मैं देख रहा हूँ कि ये आदमी है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, ये इतनी दूर जा रहा है तो यार थोड़ा सा गर्मी होगी, तो उसके मामले में मतलब सीट वगैरह लग जाती तो और मजा बन जाता भाई साहब। इसके साथ आप सीट के ऊपर भी बैठ के चला सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? अभी आपको सीट लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, आपने बना रखी है और इसके ऊपर हम सीट लगा के दिखाते हैं बेटे मतलब एडवांस चलते हैं। बिल्कुल भाई साहब, कोई भी देखिए अगर फार्मर चाहता है कि पैदल नहीं चलना, उसको गर्मी लग रही है, जी, 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 मेरे फार्मर को गर्मी लगती ही नहीं, गर्मी है, लगती तो नहीं उसके है ऊपर हम सीट लगा के दिखाएंगे, क्योंकि जो मेरे जैसे है ना नौजवान है वो कहते हैं यार अपने तो बैठ के आराम से करेंगे पटली, जी जी जी, तो इसीलिए तो आज हम आपको इसके ऊपर सीट लगा के दिखाएंगे भाई साहब। अच्छा, सीट लगा के फिर चलाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल।
तो चलिए भाई लगाते हैं जिसके ऊपर सीट लगा के बाद में दिखाते हैं आपको। अपने आप चल रहा है ये, तो राजा भाई पूरा फिर ड्राइवर लेस बना दिया। भाई साहब एक मेरा सपना था फार्मर भाइयों का, ऐसी ऐसी मशीनें ऐसी ऐसी टेक्निक बना के दूंगा जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा भाई साहब। अच्छा मतलब अभी और रेवोल्यूशन लेकर आने वाले हो ना? इससे बड़ा और रेवोल्यूशन जितनी कोशिश होगी उतना ही रेवोल्यूशन करूंगा भाई साहब। मतलब ये है कि किसान भाइयों आगे आने वाले जमाने में आपको नई नई टेक्नोलॉजी है जो राजा भाई इंटरप्राइजेज की तरफ से देखने को मिल सकती है भाई। तो जुड़े रहना इनके साथ में और स्क्रीन में इनके नंबर आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना इनसे। तो देखिए भाई पूरी है ना तबाही मचा रहा है ये जो पावर वीडर है, देखिए मतलब पडलिंग के लिए कामयाब है ये। इस प्रकार से आप पडलिंग कर सकते हैं और इसके पीछे जो बैठ के चलाते हैं ना वो भी अच्छा लेके वो भी बग्गी लेकर आ चुकी है ये। क्या नाम दिया है फिर इसको? भाई साहब इसको सीट बोला जाता है। अच्छा और फार्मर भाई ने क्या कहा था, पैदल नहीं चलना होता। हाँ हाँ, आप सीट लगा के आराम से काम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं मतलब ना। ठीक है और सिंपल फंडा है सीधा है ना, ट्रैक्टर के हुक में डालते हो उसी प्रकार से हुक निकाल देनी है और सीट लगा देनी। तो राजा भाई आपने सच में साबित कर दिया कि आपका ये जो पावर वीडर है ये ऑटोमेटिक है, पूरा ऑटोमेटिक है। शुक्रिया 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 भाई साहब। जी जी जी। तो ऊपर देखिए अभी बादल हो रखे हैं, मौसम बड़ा रोमांटिक बोल सकते हैं अपने, ठीक है जी जी। पर अगर बारिश होने लग जाए ये पडलिंग में जी, ठीक है चल रहा है, और बारिश होने लग जाए तो कहीं आपके पावर वीडर का इंजन विंजन तो खराब नहीं होगा? बिल्कुल खराब नहीं होगा, इसके ऊपर पानी डाल के दिखाऊंगा। अच्छा इंजन वाटर प्रूफ है, 100% वाटर प्रूफ है जी। मतलब वाटर प्रूफ है ये? बिल्कुल, इसके ऊपर अभी हम पानी डाल के दिखाते हैं जी, जी, और जितना मर्जी पानी डाल दीजिए। अच्छा और इंजन कभी भी हमारा खराब नहीं होगा भाई साहब, गारंटी है ये पूरी आपकी है? 101% गारंटी है भाई साहब, जो बोलता हूँ वही करता हूँ, इसमें सोचने की भी बात नहीं है भाई साहब। देखिए भाई वैसे तो ये पानी को मतलब चीरता हुआ निकल रहा है, पर आप मतलब कह रहे हैं अभी वाटर प्रूफ है पूरा है, तो अभी इसके ऊपर पानी साबित डाल के दिखाते हैं, पानी डाल के दिखाते हैं, साबित करके दिखाओ हमें फिर पता चलेगा ना। साबित करके दिखाऊंगा जी जी जी। देखिए भाई पूरा कमाल कमाल की मशीन बनाई है भाई। लो जी जितना मर्जी पानी डाल दीजिए। देखिए भाई राजा भाई ने तो कमाल कर दिया कि वाटर प्रूफ है ये, पूरा वाटर प्रूफ है। देखिए इस प्रकार से साबित कर दिया अभी वाटर प्रूफ है ये, इंजन तो बंद नहीं होगा भाई साहब। अच्छा मेरा तो राजा भाई क्या खा के बनाते हो यार ऐसे इंजन, क्या खा के बनाते हो ऐसे? अरे भाई साहब बेसिकली का इंजीनियर हूँ मैंने, पहले क्या बोला था। अच्छा ऐसी तकनीक है जो हम बताते ही नहीं है, इसको बातें होती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिसके कारण हमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। हाँ मतलब मार्केट में किसानों को पीछे नहीं रहने देना है ना भाई साहब, किसान मेरी ताकत है, किसान मेरे पे भरोसा करते हैं भाई साहब, उनको वही उसके लिए तो जो हमने तैयार किया है भाई साहब। जी 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 बिल्कुल। अभी देखिए भाई किस प्रकार से धमाल मचाता हुआ चल रहा है ये। तो भाई साहब कमाल की आपने पडलिंग की है जी, तो मतलब भी है। नहीं की भाई साहब, पावर वीडर ने की। हाँ आपके पावर वीडर ने की है। तो क्या ये गीले में चलता है या सूखे में भी चलता है ये? भाई साहब आपको सूखे में भी चला के दिखाऊंगा, इसकी ताकत दिखाऊंगा सूखे में कितनी जबरदस्त है। अच्छा ऐसे करो बाहर निकालो भाई, तो सूखे में भी चला के दिखा देते हैं। चलिए भाई सूखे में चला के दिखाएंगे, क्या क्या चीजें चला के दिखाएंगे फिर सूखे में आप बोलेंगे? अच्छा क्या चलाना है वही चला दूंगा भाई साहब। जी जी जी। तो चलिए और ये इतने किसान भाई देख रहे हैं भाई मौजूद है यहाँ पे, देखिए कितने सारे किसान भाई। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया शानदार है मशीन। अच्छा तो देख एक चीज और देखिए। हाँ हाँ जी जी, पढ़ लीजिए जी, अलग एक निशान बन गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सफाई और रखी है पूरी है ना किसान भाई। आपने मतलब क्या है कि देखा पडलिंग करते हो, तो देखिए यहाँ यहाँ पे तो है जो पडलिंग है अच्छे तरीके से हो रखी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये देखिए भाई यहाँ पे अभी पडलिंग के लिए नहीं आया, तो ये देखिए इस प्रकार से कितना कचरा है इसके अंदर, और एक इसके अंदर देखिए इधर वाली साइड में मतलब कमाल कर रहा है। और वो देखिए भाई क्या बात है, आसू भाई ने कमाल कर दिया, दो दो बंदे बैठा के चला रहा है भाई, क्या बात है क्या बात है। अगर आपका बच्चा हट करता है ना तो उसको भी बिठा के आप चला सकते हैं। तो शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताना राजा भाई के लिए कि आपको कैसा लगा दोबारा लौट आए इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है।
शुक्रिया 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 भाई साहब। जी जी जी, तो चलिए देखते हैं दूसरे इम्प्लीमेंट के अंदर भी। चलो आइए भाई साहब। भाई आज है ना राजा भाई की परीक्षा लेंगे। देखिए ये गेहूं का कटा हुआ बाण है, ठीक है, इसके अंदर चलवा के देखेंगे, पूरा पक्की मिट्टी है। अरे भाई साहब बिल्कुल चला के दिखाऊंगा, सभी फार्मर भाइयों ने मेरे ख्याल ऑलमोस्ट गेहूं काट लिया होगा। जी जी, अब बड़े ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा। इस हमारे जो R750 मॉडल है, इसको जो ऑटोमेटिक है उसको चला के दिखाऊंगा, और इसमें पक्का जो बहन है इसमें कैसे चलेगा वो आपको करके दिखाऊंगा। जी जी, चलिए देखते हैं किस प्रकार से चलेगा ये मशीन, आपको सारे काम करके दिखाऊंगा इससे। अच्छा। रोटावेटर कैसे चलेगा, या कल्टीवेटर कैसे चलेगा, मिट्टी कैसे लगेगी, अच्छा, या बेड कैसे बनेंगे, वो सारे इसी पक्की जगह पे चलके दिखाऊंगा। देखिए भाई गेहूं का जमीन है, ठीक है, पूरा धूल उठा रखा है इसने, तो मतलब इसके अंदर अभी कितने ब्लेड चल रहे हैं राजा भाई? भाई साहब अभी ये 32 ब्लेड की रोटरी चल रही है। अच्छा। जी 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 जी, ठीक है, 32 ब्लेड की रोटरी। बिल्कुल जी बिल्कुल, तकरीबन अच्छा। ये होता है साइज तकरीबन 3.5-4.5 फीट की रोटरी चल रही है। अच्छा। और मैंने आपसे वादा किया था ऐसी जमीन में चला के दिखाऊंगा जो जी, पक्की जमीन होगी। अच्छा। अभी जहाँ पे गेहूं कटा है और गेहूं में कितना आराम से चल रहा है ये खुद देखिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए किस प्रकार से ना तबाही मचा रहा है ये पूरा, देखिए कितनी गहराई भी अच्छी दे रही है ये भी देखिए, क्योंकि गेहूं की जमीन है उसकी कटाई के बाद में पक्की होती है। देखिए भाई क्या बात है, पूरा कमाल कर रहा है ये, है पूरी गहराई जा रहा है। देखिए लाल मिट्टी निकाल दी है इसने। वाह क्या बात है, ये देखिए क्या बात है, कमाल कर दिया है ना, ये देखिए हाँ अच्छी गहराई दे रहा है अभी तो ये। चलो इसमें चला रहा है तो राजा भाई फिर इसको बड़ा भी कर सकते हैं क्या साइज इसका रोटावेटर का? बड़ा कर सके दिखा देता हूँ। अच्छा, यही हमारी R750 का कमाल है। अच्छा, मतलब भाई इसकी ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं। भाई साहब जो आप बोलेंगे वही करके दिखाऊंगा। अच्छा, अभी जितने ब्लेड लगे हैं अभी डबल कर देंगे इसको हम। अरे भाई साहब क्या बात है, तो देखिए अभी डबल ब्लेड के अंदर चलाएंगे, इससे भी और दुगने कर देंगे। इंजन दबेगा नहीं, ये पे बाधा है मेरा। अच्छा जी जी जी, तो चलिए देखते हैं डबल ब्लेड के साथ में। तो भाई इस प्रकार से नए ब्लेड लगा रहे हैं इसके अंदर, उसके बाद में चला के देखेंगे। भाई ये देखिए अभी रोटावेटर है ना, मुझे लगता है कि 5-5.5 फीट से ज्यादा हो गया है, ठीक है, और ब्लेड भी काफी अच्छे हैं, तो सर क्या ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाएगा? अभी चला के देख लेते हैं भाई साहब कैसे चलता है। अच्छा, मैं क्या बोलूंगा, मशीन बोलेगी भाई साहब। जी 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 बिल्कुल, तो देखते हैं चला के ये। आजू भाई चला के दिखाओ। भाई इसने तो धूल उठा दिया यार, पूरा पूरी पावर लगा रहा है। अरे भाई साहब इंजन के ऊपर कोई लोड ही नहीं पड़ रहा, क्या डाल दिया है भाई साहब? स्पेशल डिजाइन है सारा, टेक्नोलॉजी का कमाल है। अच्छा, कैसे पड़ जाएगा भाई साहब? पूरी मैंने वादा करता हूँ पूरा करता हूँ भाई साहब, पूरी पावर लगा रहा है पूरी। अभी तो इसमें और भी चौड़ा कर सकते हैं। अच्छा, इंजन नहीं दबेगा भाई साहब? अच्छा, इस बात का भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बड़े आसानी तरीके से चला रहे है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई साहब ये इतना बड़ा रोटावेटर चल रहा है, कहीं इंजन गर्म तो नहीं होगा? भाई साहब बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है देखिए कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रही। जी जी, और कंधों को कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से फार्मर चला सकता है जी। अच्छा जी, तो ये कितने घंटे तक चला सकता है? अरे फार्मर 8-10 घंटे लगातार चलाइए, गर्म होने वाला नहीं है भाई साहब। अच्छा, गर्म नहीं होगा? अभी चल रहा है, आप हाथ लगा के देखो, इंजन बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा जी। आइए मेरे साथ आइए, हाथ लगाइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो साथ में चल रहा है रोटावेटर, तो ये क्या फिर इतना बड़ा किसानों को देंगे या क्या मामला है? ऐसा है, ये तो हमने एक शक्ति दिखाई है, अगर फार्मर बड़ा चूज करना चाहते हैं। अच्छा, तो बड़ा चूज कर सकते हैं, लेकिन जो हम रोटरी देंगे मशीन के साथ वो तकरीबन 3-3.5 फीट की देंगे। अच्छा, अगर किसान एक्स्ट्रा बड़ी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं भाई साहब। अच्छा, बड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, साथ में तो वो 3-3.5 फीट की रोटरी जाती है। तो फिर और क्या क्या दुबे करने वाले हो? अरे भाई साहब इसी के साथ हम पहले आपको कल्टीवेटर चला के दिखाते हैं। अच्छा, कोई बड़ा कल्टीवेटर चला के दिखाएंगे। जी जी, और फिर मिट्टी बेड मेकर कैसे रहता है और मिट्टी कैसे लगानी है फसल पे, जैसे गन्ने में मिट्टी लगानी है वो कैसे लगाएंगे इसी मशीन से। अच्छा, वो आपको करके दिखाऊंगा भाई साहब। तो चलिए देखते हैं किसान भाइयों, बाकी देखिए ये धरती को चीरता हुआ चल रहा है पूरा, मतलब। तो भाई कमाल कर दिया भाई, सूखा खेत है बिल्कुल, कोई पानी लगा हुआ नहीं है, ठीक है,
और देखिए गेहूं का कचरा देखिए।